नमस्कार दोस्तों, आज है 14 मार्च 2023, मंगलवार का दिन है। आज हमारे लिए खुशी का क्षण है कि हमारे छोटे बेटे माधव का बर्थडे है। आज ही के दिन माधव का जन्म हुआ था, तो सुबह से शेड्यूल है काफ़ी बिजी। समय हुआ है 4:15 शाम के। तो हुआ ये है कि सुबह शेड्यूल बिजी था, एक दुर्घटना हो गई जिसके कारण माधव के जन्मदिन का ब्लॉग नहीं बना पाए, वो अब बना रहे हैं। सुबह आज माधव की मम्मी बाथरूम में फिसल गई, जिसके कारण उनके पैर में फ्रैक्चर है और हाथ में भी फ्रैक्चर है, और वैसे काफ़ी चोटें आई हैं। तो सुबह सुबह उसी काम में व्यस्त थे, मैं उनको लेके गया, उनकी पट्टी करा कर लाया, देसी पट्टी करा दी है। अगर उससे आराम नहीं होगा तो फिर डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा, एक्सरे कराएंगे। फिलहाल जब से पट्टी हुई तब से आराम है। उनकी पूरी एक गांठ पैर की नीचे से निकल गई थी और एक तरफ आ गई थी, और हाथ में भी काफ़ी दर्द है। तो क्योंकि उस काम में मुझे सुबह 8:30 बज गए थे, उसके बाद जल्दी नहाने धोने के बाद मैं चला गया था स्कूल, और स्कूल से लौटा हूँ 3 बजे। माधव सिंह कर रहे थे मेरा इंतज़ार, क्योंकि माधव का बर्थडे है तो उनका केक लाना है, उनके लिए लाना है गिफ्ट, तो वो हैं तैयार। मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए माधव सिंह है तैयार, बर्थडे बॉय। तो माधव को बहुत देर से तैयार है माधव कि डैडी चलो केक लेके आएंगे। मैं और माधव जा रहे हैं कांट माधव के बर्थडे का केक लेने, ठीक है? हाँ। और दिखाते हैं आपको दूसरा सीन भी कि माधव की मम्मी के पैर में कितनी चोट है, कहाँ कहाँ पट्टी है, वो भी आप देख लीजिए। तो दोस्तों ये देखिए, ये हाथ, इस हाथ में ही जो अंगूठा है यहाँ पे जो है फ्रैक्चर टाइप है। तो जो डॉक्टर साहब हैं देसी पट्टी करते हैं, उन्होंने कहा है कि ठीक हो जाएगा 2-3 पट्टियों में। और ये है पैर, देखिए ये जो गांठ होती है ना पैर की, ये निकल गई थी बाहर, बिल्कुल इतनी मोटी बाहर को निकल गई थी। अब इसमें पट्टी है और दर्द काफ़ी है, क्योंकि वो चल नहीं पा रही हैं, कोई काम नहीं कर पा रही हैं। तो वो आगे का सीन रहेगा कि कब तक क्या होगा। तो चोट के कारण सुबह का जो माहौल रहा बहुत ही तनावपूर्ण रहा, भागम भाग रही। डॉक्टर साहब जल्दी चले जाते हैं, इस्लाम नगर में दुकान है उनकी, डॉक्टर शहजादा चोरा के रहने वाले हैं। तो जल्दी मैं गया, उनको रोका, फिर इनको लेकर गया और पट्टी कराई। तो इस काम में जो है मुझे 9 बज गए थे, और कुछ भी सूचना देने का, आपको बताने का ब्लॉग के माध्यम से, वो सब बातें हम भूल गए थे। फिलहाल अब तबीयत सही लग रही है, दर्द कम है, तो खुशी की बात है ये। और फिलहाल हम चल रहे हैं, मैं और माधव, कांट ये हमारा बर्थडे बॉय है, इसका बर्थडे है, केक लेने जा रहे हैं। माधव कह रहा है कि मैं अपनी ही पसंद का केक लाऊंगा, है ना? तो इसको ले जा रहा हूँ मैं, और ये जो है अपनी पसंद का केक लेगा, है ना? और कुछ गिफ्ट भी कह रहा है। तो गिफ्ट में मैंने पूछा क्या लेगा, तो कह रहा है कि आप मुझे लेकर चलो और अपनी पढ़ाई से संबंधित ही कुछ गिफ्ट लूँगा मैं। चलो कोई बात नहीं। तो दोस्तों चलते हैं कांट और माधव का लेकर आते हैं केक। तो दोस्तों चल पड़े हैं कांट की तरफ, मैं और माधव बाइक से ही हैं, आज कार नहीं लाए हैं। कार कांट में पार्क करने में दिक्कत आती है, अंदर जाना है मार्केट में भी, कार से टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो इसलिए कार से ना आके बाइक से जा रहे हैं हम दोनों। देखो
आधा बैठा है पीछे, चला रहे हूँ बाइक, हेलमेट नहीं है, नियम के खिलाफ है ये, यातायात नियमों का उल्लंघन है। लेकिन पास में जाना था और जल्दी में याद भी नहीं रहा, कोई बात नहीं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। विदाउट हेलमेट बाइक चला रहे हैं भाई साहब। आ चुके हैं केक की दुकान पे और देखते हैं केक। भैया केक दिखा दो, बिना अंडे का दिखाइयो। अच्छा अच्छा, किसी साइज के हैं? एक साइज तो सही होगा, छोटा है बड़ा देखो। एक साइज फ्लेवर आपको फुल साइज मिल जाएगा जो आप चाहते। अच्छा, पहले साइज देख लो, मैं भी दिखाता रहूँ आपको। एक साइज ये कितने वजन का? ये 800 ग्राम का है, 400 ग्राम, 800 ग्राम का साइज। वो दिखा दो फ्लेवर बस। कौन सा फ्लेवर देना? कौन कौन से हैं? चॉकलेट, बटर स्कॉच, पाइन एप्पल। पाइन एप्पल कर दिया चॉकलेट भाई, बर्थडे हुआ है, चॉकलेट कह रहे हैं, चॉकलेट दे दो। ठीक है, निकालो। ओके, चॉकलेट फ्लेवर ले लिया। कितने का भाई? 600 रुपए भाई साहब। आ गया चॉकलेट ले लिया, 9 नंबर की कैंडल, मादम 9 साल का हो गया ना, तो 9 नंबर की कैंडल भी चाहिए। बैलून कैंडल चॉकलेट दे दी वाली चॉकलेट, डार्क वाले, ब्लू वाले, डार्क फैंटेसी। कितने का पैकेट? 40 पैकेट दे दो पूरा। ये वाला देखो कितना बढ़िया, भाई साहब बताओ क्या क्या हुआ? दो फोन का ब्लाइट, दो एक तो ब्लाइट केक हो गया इनका, 60 फोनपे कर दो। हाँ कर दीजिएगा। तो दोस्तों ले लिया केक, मतलब का चल बादाम शेक नहीं, तबीयत खराब है तेरी? यहाँ तबीयत खराब है, अभी दवाई आई है 2-3 दिन पहले। हाँ जरा आजा, चलो। तो दोस्तों केक ले चुके हैं, ये देखिए माधव के हाथ में इधर, और अब दिलवाते हैं माधव को गिफ्ट। कह रहा है पढ़ाई से संबंधित गिफ्ट चाहिए, तो हम जा रहे हैं स्टेशनरी की दुकान पे और माधव को दिलवाते हैं माधव की पसंद का गिफ्ट। ठीक है, तो दोस्तों ये है माधव के गिफ्ट, देखिए क्या क्या लाया, माधव खुद बताएगा। ये है गम, पापा ने, ये भी पापा का है, और ये भी, ये मुझे दिया है माही ने, और ये दिया है मेरे मौसा जी ने, और ये मेरे फ्रेंड ने दिया है जी। हाँ, और अभी और भी है, ये एक मेरे दूसरे फ्रेंड ने दिया है, ट्रेलर्स और हैं। और ये फ्लावर्स भी माधव के फ्रेंड ने माधव को दिए हैं। माधव गिफ्ट लेने के बाद खुश है? हाँ पापा खुश है। ठीक है, तो दोस्तों केक लेकर और माधव का गिफ्ट लेकर आ चुके हैं घर, और ये देखिए मैक्स, कहीं से आओ या कहीं को जाओ, इसको जरूर अपना प्यार दिखाना है। देखो ये जो है पैरों में आ गया, घुसेगा और कहेगा मुझे लेके क्यों नहीं गए, क्यों? ये देखो प्यारा बच्चा है, बहुत प्यार करता है ये, देखो आप।
कितने प्यार से, कितने प्यार से। उठ जा, चल उठ जा, अब उठ उठ जा, उठ जा बेटा, उठो। तो दोस्तों माधव का केक आ चुका है, गिफ्ट आ चुका है, केक सेरेमनी की तैयारी करेंगे बच्चे, अब बैलून फुलाएंगे और खाने में बन रहा है मटर पनीर और क्या क्या बनता है देखते हैं, दिखाते हैं आपको। तो गाइस देखें मैक्स पापा के साथ कितना प्यार कर रहा है, अब देखो आ गया। देखो कटाई करूंगा, आया देखो जाओ। तो बच्चों की पार्टी की तैयारी शुरू है, बर्थडे पार्टी की, बैलून फुलाने शुरू कर दिए हैं, बैलून फुला रहे हैं भार्गव सिंह, माही और माधव, पूरा पैकेट है देखिए आप, ये सारे बैलून्स 49 गिन भी लिए हैं बच्चों ने, 49 बैलून्स हैं और देखते हैं कितने समय में बच्चे फुला देते हैं इनको और फिर इनको डेकोरेट करेंगे, लगाएंगे, उसके बाद कटेगा केक। तो दोस्तों बच्चों ने कर दिया है डेकोरेट, देखिए कितने सुंदर तरीके से बच्चों ने लगाए हैं बैलून्स और केक लेके आने वाले हैं माधव के दादा ग्रेट खेत पर, क्योंकि निकल रही है सरसों, आज मशीन से सरसों निकल रही है तो वो भी आ गए हैं और माधव देखो ये आ गया है, साथ में है भार्गव, केक ले आओ, कहाँ है, बिल्कुल रेडी करो, तो केक है रेडी, माधव सिंह बैठे हैं, मोमबत्ती लगा दी है, आ गए हैं माधव के दादा, माधव की अम्मा, कैसा चला रहा है? माचिस है, इसमें तिल्ली कम दी है, दुकानदार पर जो है रिपोर्ट करो, माचिस सही नहीं बेचता हो। ये नावल ये किस काम होगी? लेकिन बुझा दो तुम। हाँ। बुझा दो। चलो भी शुरू करो। लेकिन बुझाओ। पार्टने लगा दिया है टीका, इधर देख, इधर टीका लगा, देखो फोटो कर रहा है, चलो इधर देख, इधर लगा रहे हो, पैसे तो दो लो, ने लगा दिया है और अम्मा ने दे दी है पैसे निकाल के, कितने दे दिए माधव को? 600 रुपए, 600 तो कम है भाई। माधव की मम्मी ना आ पाई है क्योंकि वो है बेड रेस्ट पे, उनसे उठाने जा रहा है वो, देखो वो बैठी है, मैक्स भी बैठा है, मैक्स भी खाएगा केक, और मेरा बनाना मैं खिलाऊंगा, माधव खिलाऊंगा, माधव के तो पूरे मुंह पे चॉकलेट लग गई, चॉकलेट ना रहे हो तुम, जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50, गिफ्ट लाता हूँ माधव का, अभी मैं कहाँ पे है, क्या चीज है, माधव के लिए बिस्किट फेवरेट डार्क फैंटेसी और हाइड सीक, ठीक है, बिस्किट खाओ, बिस्किट तरह मीठे मीठे कार्य करो, अच्छे अच्छे कार्य करो, खूब पढ़ो, खूब लिखो, मम्मी पापा दादा दादी अपने खानदान का नाम रोशन करो,
हैप्पी बर्थडे टू यू। दादी मुबारक। दुआ बोलो। बाद में अब देते हैं बच्चों को केक। अरे तो मेरी कटोरी में तो कर दे यार। अम्मा आ गई यार। मेरी कटोरी में। हाँ मेरी कटोरी में। कर दो कर दो सब। अम्मा की कटोरी लेके आ। मेरी कटोरी। रेडी भैया कर दो। मैं तो अपनी लेके आई थी। दादा भी ले जा। ये मैगी ला। मैगी उठाओ। तो दोस्तों बर्थडे बॉय अपने फ्रेंड से बात कर रहा है। फ्रेंड्स जो है विश कर रहे हैं माधव को और जो केक भी माधव के प्लेट में है। लकी ने भी केक खा लिया है। ये देखो और मैं पहले भी खा चुका हूँ। ये है माधव की मम्मी का और हाथ देखो ये है टूटा हुआ और ये है पैर। मम्मी ना। सबको मिल गया बच्चों केक। सबको मिल गया। हाँ। हिमानी बेटे खाने की तैयारी है। देखो हिमानी ने भी प्लेट भर रखी है पूरी अपनी। हाँ। पार्थ को दे दो। पार्थ को दे दो भी और सबसे ज्यादा केक खाता पार्थ। इसको शुरू में चाहिए और आखिर तक ये जो है बार बार खाता रहेगा। केक बहुत पसंद है इसे। मैक्स को दे दे हिमानी थोड़ा। मैक्स मैक्स दे दिया। मैक्स को भी मिल गया केक। मैक्स ने खा लिया। देखो हिमानी पार्थ को खिला रही है और उसको जो है परेशान कर रही है। खिला दे। ये केक खाने का बहुत ही लगा हुआ है और केक बहुत खाता है। छीन करा लिया। बच्चे तैयार हैं बैलून फोड़ने के लिए। देखो कौन कौन फोड़ता। लकी चढ़ गया ऊपर स्लिप पे। मजे नीचे वो देखते रहो आप। शैतान बच्चों की मस्ती। ये तो भैया शैतान भार गया वो लकी। ठीक है चलो फोड़ दो। गुब्बारे सारे फूट चुके हैं बैलून्स। और तो दोस्तों ये था माधव के बर्थडे का ब्लॉग। सुबह काफ़ी परेशान थे लेकिन शाम आते आते जो परेशानी थी खुशी में बदल गई। सभी लोग खुश हैं। बर्थडे सेलिब्रेट हो चुका है। सबने केक खा लिया है। कैसा लगा आपको ये हमारा ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें। हमारे चैनल को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।